नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आचार्य चाणक्य जी अपनी नीति के अनुसार बताते हैं कि अगर जो पुरुष एक महिला को अपने वश में करना चाहता है तो वह एक यह टोटका अपना ले, वो महिला को जो भी कहेगा वो महिला उसके लिए वो करने के लिए तैयार हो जाएगी। दोस्तों आचार्य चाणक्य जी अपनी नीति के अनुसार बताते हैं कि एक महिला को पाने के लिए आप यह एक टोटके का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप जो भी महिला है आप उसे अपने वश में कर सकते हैं। दोस्तों आचार्य चाणक्य जी ऐसा कौन सा टोटका है जो अपनी चाणक्य नीति में बताते हैं, उसे जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और साथ में अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि दोस्तों आपको रोजाना ऐसी ज्ञान से भरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप भी माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं और आप भी चाहते हैं कि आपके घर में पैसा आए, आप भी हमेशा अपना जीवन एक राजा की तरह जीना चाहते हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री कृष्ण जरूर लिख दें। दोस्तों कहा जाता है कि ऐसा लिख देने से माता लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं और जिसके बाद वह अपनी कृपा आपके ऊपर बिताना शुरू कर देती है, जिसके बाद आपके घर में धन आना शुरू हो जाता है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। आचार्य चाणक्य जी के अनुसार वह बताते हैं कि अगर आप किसी लड़की को अपनी वश में करना चाहते हो तो आप इस टोटके का इस्तेमाल कर लीजिए। दोस्तों वह टोटका है कि आप लौंग ले लीजिए, 21 लौंग ले लीजिए और उसे एक तेल के अंदर डुबा दीजिए, और तेल के अंदर डुबा देने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा सिंदूर रेड़ दीजिए। दोस्तों इसके बाद उसे एक पोटली यानी कि लाल रंग के कपड़े के अंदर बांध दीजिए। बांध देने के बाद उसे आप एक ऐसे कोने में ले जाएं जहां पर पानी चल रहा हो, जहां पर पानी ताजा हो और स्वस्थ हो, यानी कि आप एक नहर के पास ले जाइए। उसके बाद उसे उसके अंदर फेंक दीजिए। उसके बाद आप उस लड़की का 21 बार नाम ले लीजिए, वह लड़की आपके वश में हो जाएगी। उसके बाद जो चाहे आप उसके साथ कर सकते हैं। दोस्तों आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि इस टोटके का इस्तेमाल 18 से ऊपर वाले व्यक्ति ही करे, इसके नीचे वाले व्यक्ति इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि दोस्तों इसके बाद यह काम नहीं करता। दोस्तों आचार्य चाणक्य जी का बताया हुआ टोटका आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि दोस्तों आपको रोजाना ऐसी ज्ञान से भरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।